सुबह की शुरुआत होती है इस प्रकार की। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमने मंदबुद्धि का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया और उसको जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हमारा टकला लखा आखिर कर क्या रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज 21 जुलाई को मंदबुद्धि का बर्थडे है, तो हम उसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने सुबह से उसे अभी तक देखा भी नहीं है, विश भी नहीं किया है, क्योंकि वो सुबह स्कूल चले गया था और मैं सुबह लेट उठती हूँ तो मैं विश नहीं कर पाई। अब देखते हैं मिलता है तो। वैसे मैंने कॉल वगैरह सबको कर दी है कि सब रेडी हो जाओ, और बहुत टाइम हो गया है, सब मिलकर चलेंगे सेलिब्रेट करने। मैंने सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार किया, उसका पैकेजिंग वगैरह बुद्धदेव के पास है, वो तो वहीं उसे देंगे गिफ्ट, वहीं होगा गिफ्ट की अनबॉक्सिंग वगैरह। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट्स में मंदबुद्धि को भर भर के आशीर्वाद दे देना। और चलो फिर अब तैयार होते हैं, सब तैयार हो गए, मैं ही हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो दोस्तों मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने ये आमा की धोती का सिला हुआ टॉप पहना, मजाक करी, मार्केट से लिया। और मंदबुद्धि भी आ गया, सुबह से अभी मिले। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, सदा सौभाग्यवती रहो। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने साजो श्रृंगार के साथ, और सारी हमारी टीम भी तैयार हो गई और बैठे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मंदबुद्धि की दीदी है और ये मंदबुद्धि है, मैं कुछ नहीं। यहाँ हमारे भाई साहब भी तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत लेट हो चुका है, बुद्धदेव हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो चलते हैं आप सेलिब्रेशन की ओर। हमारे डेस्टिनेशन प्लेस में, और बुद्धदेव तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे क्योंकि ये अरेंजमेंट वगैरह करा रहे थे बर्थडे की। और हम सब तो पहुँच गए थे, लेकिन मोटा भाई, छोटा भाई, मेरा भाई, किसी का भी भाई अभी तक नहीं पहुँचे थे, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत देर हो गई थी और धूप भी लग रही थी, तो बुद्धदेव ने बोला चलो अंदर ही बैठते, बाहर बैठे अपने भाई को। चलो तो बुद्धदेव क्या गिफ्ट लेके भी आ गए हैं। कुछ ही देर बाद सभी लोग आ जाते हैं। खुश रहो भाई साहब आ गए। लड़के आ गई है जिंदगी में, इसलिए रहा हो गया। अरे तो दोस्तों जो हमारे मोटा भाई है, उनकी लाइफ में कोई लड़की एंटर कर चुकी है, इसलिए उसने हमें गेट आउट कर दिया। गेट आउट बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो ये मंदबुद्धि का गिफ्ट है, और कैसा लग रहा है फिर आपको आज अपने बर्थडे के दिन? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। किसकी कमी महसूस हो रही है आपको आज? किसी की नहीं, एक ही की हो रही है, पर अब छोड़ो यार, क्या बताएं, वीडियो चल रही है ना। कौन है वो? कोई तो। दिल वाले या दिमाग वाले? दिल वाले, दिमाग वाले दोनों है, एक दिल में एक दिमाग में। अच्छा, दो दो है और क्या। तो आजकल बिग बॉस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, तो पूछते हैं कि उनका मतलब इन लोगों का फेवरेट कौन है बिग बॉस में। तो सबसे पहले बड़े बॉय बताएगा कि आपका कौन है। सिस्टम एलविस यादव। तो देव आपका कौन है? सिस्टम फाड़ देंगे। बताना ना। एलविस यादव। आपका फेवरेट कौन है बिग बॉस में? मैं देखता ही नहीं। नहीं देखते हो? आपका कौन है? लड़का क्या लड़की। कोई भी बता दो जो फेवरेट है। एलविस यादव। आपका फेवरेट कौन है? सिस्टम एलविस यादव। इतने वोट दीजिए कि सिस्टम हैंग कर दीजिए। आपका फेवरेट कौन है? कौन है सभी फेवरेट? फिर भी बताओ, एक दो बता दो। जिस एलविस और मनीषा दोनों है। तो हम लोग बिग बॉस कंटेस्टेंट की बात कर ही रहे होते हैं कि हमारा केक भी आ जाता है। वैसे आप लोग भी कमेंट में बता दीजिए आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है। तो आज मंदबुद्धि को पूरे 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो 17 साल का बुजुर्ग बन चुका है। तो चलो केक काटने का शुभारंभ करते हैं। बाय बाय बाय, फेफड़े बांधना।
हुआ? जी हाँ। बस हो गया। खाना आ चुका है, हमने मंगाया है पनीर राइस, सबने पनीर राइस मंगाया है, सब अपने अपने भाग का मंगा चुके हैं, लेकिन बुद्धदेव ने नहीं मंगाया है, पता नहीं क्यों। क्यों आपको नहीं खाना है? मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। तो खाना पीना तो लगे रहेगा, पर बच्चों का कहना है कि, मतलब मेरे भाई लोग का कहना है कि पहले गिफ्ट अनबॉक्सिंग की जाए, इससे मतलब जब तक गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं होगी इनका जो खाना है वो गले से नीचे नहीं उतरेगा ना। सबसे ज्यादा तो हमारे छोटे भाई को ये कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग की जाए। तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही है, तो गाइस क्या होगा देखते हैं इसके अंदर। ये भी हमारा भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, क्या होगा गाइस देखते हैं। अंदाजा तो लगा सुमित? इसके अंदर हो सकता है और इसी साथ एक और चीज मिली है गाइस। कैसी लग रही है? सही लग रही है? कमेंट में बताना। तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गया है, तो अब पेट पूजा की जाए। तो हम ये पनीर राइस खा रहे हैं और मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, पता नहीं इन लोगों को कैसा लग रहा है, पर मुझे तो यम्मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सुपर। रुको रुको, कैसा लगा? मजा आ रहा है, दिल गार्डन वालों का। तो दोस्तों सेलिब्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, सारी गिफ्ट्स भी अनबॉक्सिंग कर लिए हमने, तो चलते हैं घर की ओर। और ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए ले चलते हैं। चलो मैं होमवर्क करने के लिए बिजी था, इसीलिए मन बुद्धि के बर्थडे में नहीं गया। हेलो, मैं बाद में आऊंगा, तक 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 के लिए राधे राधे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।